हाय, आज यात्रा का 1961वां दिन है और हम लोग यहाँ पर रायपुर में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। और आज तो वैसे छुट्टी का दिन था, सैटरडे है। और दिन भर हमारे ही अपने काम होते रहे। सुबह से मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट वॉलंटियर प्रोग्राम है। हमें लगने लगा है कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक 200 500 हज़ार नहीं, 10 हज़ार वॉलेंटियर की ज़रूरत है। और उसके लिए एक प्रोग्राम सोच रहे थे काफ़ी दिनों से, तो आज मैंने उसको रिविजिट किया, फिर से नया लिखा। सचिन गुप्ता को मैंने हेल्प किया तो उसने प्रेजेंटेशन बनाया, तो ये काम अच्छा हुआ। बट आफ्टरनून में अचानक वो एक एजुकेशन पार्क में जो स्कूल है वहाँ पर कुछ तो अनप्लेजेंट एक्सचेंज चल रहा था लोगों के, एक हमारे मेंबर है उनके बीच में, और तो दैट हैज़ बिकम थोड़ा वाइल्ड हो गया था। तो उसमें मुझे काफ़ी समय देना पड़ा, ऑलमोस्ट 2-3 मीटिंग उसके लिए करना पड़ी। आई फील इट वॉज जस्ट यूजलेस। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय होता है, तो वो हुआ। एंड फिर संजीव जैन जी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे क्रेडा में, अभी रिटायर हुआ आए थे अपने फ्रेंड्स को लेके, उनके साथ क्लाइमेट ये चैप्टर की बात हुई रायपुर में, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन का चैप्टर, तो उसकी मीटिंग हमने 22nd पर रखी है। देन एक डिनर के लिए, लंच तो यहाँ पे नहीं था क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो प्रकाश जी ने दलिया बनाई थी बस के अंदर ही, सोलर का दलिया था। थैंकफुली थोड़ा सनलाइट भी आ गया था। वैसे ये पूरा जंगल के अंदर हम लोग हैं तो सोलर चार्जिंग नहीं हो रही, तो जैसे तैसे काम चला रहा है। तो उस समय सनलाइट आ गया था तो बढ़िया कुकिंग हो गई। शाम को फिर खाना था तो हम लोग बाहर गए थे, एक मिलेट कैफ़े करके है, रवि ने बताया था कि वहाँ पर अच्छा मिलता। हम गए तो ऐसा लगा कि धोखा हो गया, मिलेट ही नहीं मिल रहे थे उसमें, कुछ मिलेट को ऐसे थोड़ा सुंघा दिया वैसे करके, कुछ तो उन्होंने मिलेट कैफे चला गए थे। एनी वे आसपास कुछ रेस्टोरेंट थे वहाँ पर खाना खाया। एंड एक और मीटिंग जो दिन भर से पोस्टपोन हो रही थी सचिन के साथ और स्वाति और अजय के साथ करना थी, वो मर्चेंडाइज के ऊपर, तो फाइनली हम 10 बजे जब खाना खा के डिनर करके तो 10 बजे मीटिंग की। ऑलमोस्ट 11:15 बज चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म की। तो कुछ हमारे यात्रा में कुछ प्रेजेंटेशन हो या नहीं हो, हमारा दिन तो वैसे हेक्टिक ही होता है, और 10-11 तो रोज बजी जाती, तो ऐसे ही चलती यात्रा है। दैट्स व्हाई 4.5 साढ़े 4 साढ़े 3 4 साल होने वाले हैं, पता भी नहीं चला कि इतने साल यात्रा करते करते निकल गए। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे।